हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज चलिए मेरे साथ सेकंड पार्ट में जू के, जो कि टर्टल बैग जू का नाम है, न्यू जर्सी में हमारे घर के पास ही है, तो उसमें हम गए थे। ट्रेन में बैठने के बाद हम चले गए थे पेंगुइन देखने के लिए, जो कि अफ्रीकन पेंगुइन है। तो ये देखिए, मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैंने तो सोचा था बहुत बड़े बड़े होंगे, पर ये तो बहुत ही छोटे थे। करीब 27 इंच के होते हैं ये, बीक से लेके नीचे तक पैर तक करीब करीब। तो ये बड़े पानी में इनका एनवायरनमेंट बना रखा था। ये तो हल्के से गर्म ही रहते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं ना बहुत ज़्यादा गर्म, मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं। तो है ना, जू में ऐसा बना रखा था इन्होंने, और काफ़ी बड़ी संख्या में थे ये। तो ऐसा कर रखा था कि हम शीशे में से देख सकते हैं। तो आगे देखिए, ये देखो शीशे में से दिखने लग गया। यहाँ बच्चे भी खड़े थे, तो ज़्यादातर ये बच्चे ह्यूमन पॉपुलेशन में घूम मिल जाते हैं। तो बच्चे अटकेलियाँ कर रहे थे, जहाँ बच्चे खड़े थे वहाँ भाग के जा रहे थे ये। तो देखिए, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा है। ये जमीन में भी रहते हैं और है ना पानी में भी रहते हैं। ये है पक्षी, पक्षी है ये, इसके बड़े बड़े पंख होते हैं। देखिए हम देख रहे हैं, इनके नाम भी रख रखे थे इन्होंने, जू वालों ने। बच्चों के पास आ रहे हैं ये देखिए, स्लाइटली बड़े होते हैं, मेल होते हैं जो स्लाइटली बड़े होते हैं। वजन इनका 6 से 8 किलो के करीब होता है। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अफ्रीका पेंगुइन कहते हैं, अफ्रीकन पेंगुइन। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं। इनकी टोटल पॉपुलेशन 75,000 से कम हो गई है। देखने के लिए धन्यवाद, बाय। ये स्विम भी कर सकते हैं। अंडे, ये मुर्गी के अंडे से करीब 3-4 गुना बड़े होते हैं। जिनके वीडियो डाले हैं वो भी देखने, देखिए। धन्यवाद, बच्चों के पास फिर आ गए।